भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलने जा रही हूं। गुजरात में एक औरत के घर के 14 लोगों की हत्या और गैंग रेप होता है। एक ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो 2 दिन पहले जन्मा था, उसका नाम तक नहीं था, सीबीआई रिकॉर्ड्स में उसका नाम अज्ञात शिशु रखा गया। 3 साल की बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है, उनकी स्वीकृति से होती है। ऐसे संस्कारी लोगों को, जिनको आप संस्कारी बुला के कानून के पीछे छिपते हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं 2020 पर, तो एक औरत का यौन शोषण कर देते हैं। ऐसे संस्कारियों को कि जरूरत है आपको चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। लानत है ऐसे चुनाव पर और लानत है ऐसी पार्टी पर।